पाठ का शीर्षक है मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं। गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था, वह सर सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव। मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम ये पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। मूस की मजदूरी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख रामानंदन, कलाकार सुनीता चौहान, बाबला कोचर और पवन कौशिक, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।